आज सबसे पहला काम हमने ये किया कि यार फीड लेके आए, क्योंकि फीड हो चुकी थी ख़त्म। और मुझे यार सुफियान ने कहा जैद भी फीड कल की नहीं है, तो मैंने कहा सबसे पहला काम फीड निकालो भाई, निकालो निकालो, बिस्मिल्लाह करो। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जाहिद और आप सब देख रहे हैं बर्ड्स ऑफ पैराडाइज। बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में बिलाल को देख रहे हैं यार, वो सारे पता क्या कह रहे हैं, बिलाल मोटा हो गया और अंदरों अंदरों बड़ा खुश है। बस सारे कह रहे हैं, सारे कह रहे हैं अपना ख्याल रख यार। नहीं अभी तक बेहतर है। हाँ बस अपडेट इधर आ, मैं जी अपडेट तुझे देता हूँ यार। अभी पता है इधर सिस्टम क्या बना रहा हूँ, अभी अपडेट ये है कि कल हमने वो सामने वाली वॉल कर दी है पेंट, ठीक है। अब ये कचड़ पचड़ थोड़ा सा जो रह गया ना, ये सारा निकालना है। और हमने ये फ्रेम सब बनवा दिया है, यहाँ ऊपर फ्रेम लगवाना है, और फ्रेम लगा के ऊपर इसके कोई लगा देनी है हमने ना शीट सी। इतना बड़ा हाथी लेके आ रहे, इतनी ऊपर तक लगा रहे हाथी, जितना ऊपर अभी लगवा हाथी। यार तूने तो ऐसी बात कर दी है कि हाथी मैं यहाँ लेके आऊँ, मैं नहीं सारा घर टूट जाएगा यार, हाथी नहीं आ सकता भाई। नहीं नहीं वो ऊपर यार सेफ्टी के लिए ना, देख बिल्ली भी, बिल्ली का बच्चा भी होगा तो वो भी कम से कम बारिश धूप से तो बचेगा ना यार ऐसे तो। अब ये तो तुम मुझसे क्यों पूछी जा रहा है कि क्या बिल्ली का बच्चा या किसका, नहीं नहीं किसी को आपको पता आपको यार, वो लोग कमेंट्स कर रहे हैं बता रहे हैं, अब तू भी बताना है। इसी तरह खोते का पुत्र आ रहा है, बिल्ली का पुत्र आ रहा है, कुत्ते का पुत्र आ रहा है, किसी का आ रहा है, कोई पेट्स आ रहा है, बस कोई बर्ड्स और पेट्स आ रहा है, ठीक है। अब हम आए 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 इसी तरह, दोस्तों को अभी तक कुछ भी नहीं पता क्या आ रहा है यार, नहीं बताना शताना कोई नहीं कि क्या आ रहा है, समझ आई। हिंट हिंट दोस्तों, हिंट हिंट दिए ना मैंने, वो लगाया ना थंबनेल पे चार पांच चीजें, उन्हीं चार पांच चीजों में से कोई बताएं। हिरन है, घोड़ा है, ऑस्ट्रिच है, शेर है, कुछ भी है। घोड़ा क्यों नहीं आ सकता ऐसे ना, क्या अब तू अपनी तो कहना मार, ऐसे तू कहना मार, क्यों नहीं बनता भाई, घोड़े की अच्छी खासी जगह, क्या घोड़ा यहाँ क्या क्यों नहीं आ सकता, यहाँ दो घोड़े आ सकते हैं। बस तू भी कमेंट्स देख और खुद अपना कमेंट्स भी डाल। इनको क्यों बंद किया, ये बंदे के पुत्र नहीं बन रहे, ये सारी की सारी बंदे के पुत्र नहीं बन रही, इसलिए मैंने बंद कर दिया। यार ये गन डालती है बाहर, इतने फूल 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 इतने गन डालती है, और दूसरी सबसे बड़ी बात पता क्या, पैर नहीं लगा रही, अंडे नहीं दे रही। हाँ राजा, राजा इतना सुस्त निकला, इतना सुस्त निकला, महाराजा फिर ठीक था, ये बहुत सुस्त निकला यार, इसने कोई अंडे शंडे कुछ भी नहीं, और फिर इन्होंने भी अपने अंडे जाया कर दिए, मैंने सबको खुडे लाइन लगा दिया। अब अंडे देंगी तो बाहर निकलेंगी, बात खत्म, बिलाल ने सही कह दिया। अब हाँ जी, अंडों के बगैर कोई भी बाहर नहीं, जो अंडा देगा बाहर आता जाएगा, जो अंडा देगा बाहर, यार ये आइडिया ठीक है, बेस्ट हो गया, जो अंडा देगा वो बाहर, बिलाल ने जो मसले का हाल ही बता दिया। चीकू मेरे दोस्त क्या हुआ यार, बेचारा वो तंग नहीं हो रहा, वो जब भी मुझे देखता है ना, अरे खोलना तो है ही है, जब भी मैं उसको देखता हूँ या वो मुझे देखता है ना, तो उसका यही होता है, आ जाओ आ जाओ, हाथ में नहीं आता वो, अब चीकू डोन है वो, गया अब हाथ में आने वाली चीज नहीं रही, अब बड़ा हो गया भाई, अब वो पता है, उसको पता है कि यार, लेकिन यार ये सबसे उसकी अच्छी क्वालिटी है ना, पूरे घर में घूमता है, पूरे घर में, और वापस अपने घर, ये ट्रेन हो गया, अच्छा ट्रेन हो गया, ये अच्छी बात है। ऐसे मेरी डेजी ने जो चूहे पकड़ने शुरू किए यार बिलाल, चार चूहे उस दिन पकड़े, हाँ अब तो इसको मैं बस चूहे मार बिजी रख दिया, बहुत फिल्म है यार, बहुत बड़ी फिल्म है, मैं खुश हो गया है, आ है यार इसकी जंपे, आहा शहजादी शहजादी मेरी, तो वैसे ही अच्छी लगेगी, अच्छी लगेगी ना, अब तो चूहे यार, मास्टर केज में रात को भी मैंने चूहा देखा है यार, मैं इसका हाल क्या निकालूं, मास्टर केज में सारा करके भी फिर भी चूहा नजर आया। अब यार ये मास्टर केज की टेंशन है यार, मास्टर केज में मैं किधर से, पता क्या ये वाला मैंने सुराख बंद किया ना, इधर से जाते हैं चूहे और अंदर मास्टर केज में पता नहीं कहाँ से निकलते हैं, सारा बंद करने के बावजूद भी मुझे रात को ना चूहा नजर आया यार, अब वो टेंशन है मुझे कि यार चूहे को पहले पकड़ना है, मारना है, क्या करना है, डेजी को अंदर छोड़ नहीं सकता, पता चले चूहे की जगह मेरी मुर्गियां भी खाई हूँ, खाती तो नहीं है वैसे, लेकिन पता नहीं है मुझे डेजी है यार। माइलो को हमने बंद किया होता है पता क्यों, माइलो बहुत तंग नाश्ते में तेरे चले यार, यही काम है ना, इसने माइलो ने ना यार दोस्तों पता क्या किया, पूरे घर में ना ऊपर तक किचन में चली जाती है यार, फिर माइलो को हमने लाड इतना दे दिया, वो भी अयान ने खोलने लगा यार, अच्छा चल ले आप यार, मैं इसलिए नहीं खोलता ना, मुझे टेंशन होती है कि यार कोई बिल्ली ना ले जाए, इतना प्यारा माशाल्लाह जवान हो गया, बड़ा हो गया, तो मुझे ये टेंशन होती है, चल इसको उठा के लोन में ले जाते हैं, ये पकड़ी इसको उठा के लोन में ले जाते हैं। हमको उधर लड़ाई शुरू हो गई है, ओ भाई लड़ना नहीं, इधर देख, इधर देख, ये देख यार माशाल्लाह सही लंबी गर्दन वाला है, सही गर्दन है, मुर्गा सही पट्ठा सही लग रहा है माशाल्लाह, खूबसूरत है, चल भाई चल भाई चल भाई, जॉइन अच्छी है, जा 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 जा,
ड्रोन में घूम ले यशी का। देख चीकू के चक्कर, चीकू के चक्कर वहाँ थोड़े से मैंने इसको ना दाना डाला, चीकू चीकू ने ना उधर से छलांग मारी है, बहुत बड़ी फिल्म होगी है। अब चीकू हमारे हाथ में आने वाली चीज़ नहीं है, लेकिन शुक्र है कि हमारे साथ एडजस्टमेंट कर लेता है। लिली समझ आई ना मेरी बातों की, अब अंदर ना चलेगी, मेरी पूरी बात सुन। कल भी दोस्तों ने कहा कि एकदम तू बाग के अंदर क्यों चली जाती है, चीकू मस्त है। सारे तेरी इस हरकत पे ना सारों ने पता क्या समझा था कि इसने अंडा दिया है। मैंने चेक किया, कोई अंडा नहीं दिया हुआ। कल मैंने सिर्फ और सिर्फ इनको सॉफ्ट फीड डाली थी, यानी कि पालक डाली थी, और उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं डाला। जैसे मेरे एक दोस्त ने कहा ना कि जैबी जब भी कभी इस तरह की कोई फीड डाले ना तो साथ कुछ भी ना डालें, चाहे पानी भी हटा दें। तो मैंने बिल्कुल सेम ऐसा ही किया कि मैंने सिर्फ इनको सॉफ्ट फीड दी और कुछ भी नहीं। आज इनको दाना दिया तो आज तरस के दाना खा रहे, जैसे पता नहीं जैद भाई ने कभी इनको दाना दिया ही नहीं है। हालात बताऊँ, हालात ये देखें आप यहाँ से चेक करें हालात, ये इनको चेक करें। इन्होंने आज यूँ समझ रहे हैं कि जैसे पता नहीं दाना मिल गया, क्या मिल गया, सारे ओ लुट लो मेला, लुट लो मेला, लुट लो मेला, मज़े 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 हैं आज। फीड के कितने मज़े आ रहे हैं, इधर चेक करें, इधर भी फीड के कितने मज़े आ रहे हैं आज। आज सब ना फीड इंजॉय करें, कल सॉफ्ट फीड डाल के ना उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं दिया और आज इंजॉयमेंट हो रही है। आज फुल टाइम यशियाँ हो रही हैं, यशियाँ हो रही हैं, समझ गए सारे, समझ गए। माशाल्लाह माशाल्लाह यार, सब फीड खाने में लगे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं। यहाँ पर चेक करें यार, हर किसी को ना अपने अपने यार इस टाइम इन्जॉयमेंट लगी हुई है, और साथ मोर जो है ना वो हमारा शहजादा जो है ना वो हर एक के साथ ना लड़ाइयों में लगा हुआ है। उसका काम और कुछ नहीं है, उसने बस दहशत बनाई हुई है अपनी। बाहर निकालो तो शेरू के साथ पंगे, अंदर डालो तो इन छोटे पंछियों के साथ पंगे। समझ नहीं लगती मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ। बिलाल को दुआएं दे, बिलाल को दुआएं दे। बबली तुझे ना बाहर निकालने वाला सिर्फ बिलाल है, मैं तो डरता रहता हूँ कि यार बिलाल ये ना कहे कि जैद भाई चूज़ा मेरा मार दिया है। बिलाल पता है कि मुर्गियों का शौकीन है, असील मुर्गों का शौकीन है, तो उसने बड़े शौक से रखे हुए हैं। और बस फिर वो मुझे ये टेंशन होती है कहीं बिलाल ये ना कहे इतना प्यारा मुर्गा, इतना प्यारा चूज़ा मेरा जैद भाई बिल्ली खागी तो कैसे खागी। तो बिल्ली ऐसी खा जाती है, एकदम झपट्टा मारती है। तो अब जब से ये खुला हुआ है मुझे टेंशन है और मैं उसके साथ ड्यूटी दे ही जा रहा हूँ। मेरे साथ ड्यूटी देने वाला दूसरा पता कौन है, ये चीकू सेठ जो शरारते करता करता कभी यहाँ कभी वहाँ। अरे रुक तो जा, कैप्चर तो करने दे, मैं तुझे कौन सा कुछ कह रहा हूँ। इसलिए खोला हुआ है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई बिल्ली आती है तो चीकू उसको पड़ देता है, बिल्ली को नहीं छोड़ता चीकू। तो इसलिए मैंने कहा मैंने चूज़ा खोला हुआ है, तो चीकू ओहो यार स्लाइड ले रहा है, इंजॉय कर रहा है गाड़ी में। यार मेरे कुछ नए सब्सक्राइबर आए हैं, मोमिन भाई भी आए हैं, सबको वेलकम करता हूँ। इसके अलावा और भी जो नए आए यार, जिन्होंने अभी तक चैनल को मेरे सब्सक्राइब नहीं किया, इसका मतलब है कि यार जैद भाई की एनर्जी लेवल थोड़ा डाउन है या फिर कोई और आयोडीन की कमी हो। नहीं नहीं यार, कुछ तो है गड़बड़ यार, बता यार एलेक्स क्या गड़बड़ है कि लोग आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं। यार एलेक्स ऐसा क्या है यार कि जैद भाई की बर्ड्स ऑफ पैराडाइज में इंटरेस्ट नहीं ले रहे यार। अब इतने दिनों से यार कुल सब्सक्राइबर की ना आमद जो है ना टिक 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 स्लो होती जा रही है यार। तो दोस्तों यार ऐसे नहीं चलता यार, ऐसे क्यों नहीं चलता, क्योंकि यार आप लोग एनर्जी लेवल ना मेरा कम करता जा रहे हैं यार। जैसे मैं अपने बर्ड्स के साथ और अपने पेट्स के साथ लव करता हूँ ना, ऐसे आप लोगों का लव जो है ना वो अधूरा चल रहा है जैद भाई के साथ। क्यों ऐसा क्यों है, ऐसा ना करें यार दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करें, चीकू नाराज हो जाएगा, चीकू को गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी। यार दोस्तों कुछ ज़्यादा अपा के टोटकों में से कोई टोटका दें, या कोई ऐसा टोटका दें जब मेरे शोरों गुल में से ना कोई पैर में से ना ये गुल जो है ना अंडे देना शुरू कर दे। गुल के कोई अंडे नहीं आ रहे, कोई पैर सिस्टम नहीं समझ लगी। इसके साथ साथ यार जितनी भी मेरी देसी मुर्गियाँ ना सबकी फीड भी अच्छी है, 13 नंबर भी फीड डालता हूँ, दूसरी भी डालता हूँ, लेकिन इनमें से भी ना सब घर ना VIP घर VIP प्रोटोकॉल, लेकिन खालम खाली एक अंडा नहीं यार, एक सिंगल अंडा नहीं। पिछले दिनों में इन्होंने बम्बार दी अंडों की, तकरीबन सब मुर्गियों ने यार 8-10 मुर्गी हैं, सब मुर्गियों ने कुछ 30 अंडे दिए, उसमें से यार कुछ जैद भाई खा गए और कुछ एक मुर्गी के नीचे रखे उसने एक चूजा दिया। तो अब यार अंडे आने बंद हो गए हैं दोस्तों। यार सर्दी में ऐसा क्यों है यार, सर्दी में अंडे चाहिए अब वो अंडे, गर्मी में अंडों का ढेर होता है, ना अंडा देखने को दिल करता है, ना अंडा खाने को दिल करता है, ना मुर्गी बैठती है और ख़राब भी हो जाते हैं। यार जल्दी से कोई हल बताएं ना यार, कोई हल बताएं कि मेरे ये घर अंडों से भर जाएं यार। ताहा मेरा बब्बर शेर, जल्दी से यार अब इसको ना पकड़ ले, अब शाम होने लगी है कि सुल्तान भी अंदर जाना चाह रहा है, और उसको पकड़ और उसको बंद करें कि अब मैं इसकी मजीद ड्यूटी नहीं दे सकता कि पीछे कुछ गड़बड़ ना हो जाए काफ़ी देर से। और वो देखो देख कैसे भाग के जा रही है, ले आ ले आ, पकड़ लेगा पकड़ लेगा, देख ताहा पकड़ ले पकड़ ले पकड़ ले पकड़, अरे पकड़ ले, डांस कर ले पहले तू। इतनी देर में चूज़ा बाहर निकल गया, चूज़ा बाहर निकल गया ना, चल तू इसको लेके जा, मैं चूजे को देखता हूँ, जल्दी से ले जा जल्दी से ले जा। अब जी जैद भाई चूजे को पकड़ने में कामयाब हो जाएं, लो जी इसने अंदर बाड़ी दौड़ा लगा देनी है, चलो 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 चलो। ओह ओह देखो वो अंदर चला गया यार, यार वो अंदर चला गया यार ताहा, अब मैं अंदर जाऊँगा वो बाहर आ जाएगा, आप ही पकड़ोगे, चल आप अंदर जाओ मैं बाहर, अगर बाहर है मैं पकड़ लूंगा, अंदर अंदर आप पकड़ लेना।
चलो आया पकड़ो, हाँ कर लो तुम, शोर कर लो, आया पकड़ो 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 पकड़ो, बाहर आया मैं पकड़ लूंगा, आया बाहर आया, जल्दी करो जल्दी करो, कौन पकड़ता है, जल्दी करो जल्दी करो, ओ ओ ओ बाहर आ गया आ गया आ गया आ गया, मेरी मेरे मेरी पहुंच में आ गया, ले भाई आ गया आ गया, मम्मा के पास रुक जाओ, मम्मा के पास रुक जाओ, अरे रुक जाओ, अरे रुक जाओ, जाहिद भाई को तंग ना करो, आए जाहिद भाई ने पकड़ लिया, जाहिद भाई ने पकड़ लिया। तो यार दोस्तों टाइम आ चुका है आपसे अलाफिस करने का, जाने से पहले यार आप सबका बेहद शुक्रिया और आप सबके लिए यार बहुत सारी सलामती की दुआ, जैसे आपने इंजी भाई के बेटे के लिए दुआ की है, दिल खुश हो गया कि यार हमेशा किसी का एहसास करना, किसी का ख्याल करना, यही सबसे बड़ी बात है, तो मैं यही चाहूँगा उनके लिए दुआएं करते रहें, जब तक उसको सेहत नहीं मिलती आपकी दुआएं शायद उसके काम आए, तो थैंक यू सो मच, बंडल ऑफ थैंक्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट कि जाहिद भाई के नए चैनल को भी, ZB व्लॉग्स को भी सपोर्ट करें और बर्ड्स ऑफ पैराडाइज को भी सपोर्ट करें, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।